अगर आप एक मोबाइल गेमर हो और आप मोबाइल में बहुत सारा गेम खेलते हो जैसे कि पबजी हो गया, स्पेशली मैं यहाँ पे पबजी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि आजकल लगभग सारे के सारे लोग जो है यहाँ पे फोर फिंगर से पबजी खेलते हैं, जो कि सबके बस की बात नहीं है। और इसी चीज़ को मतलब ऐसे आइसोलेट करने के लिए आप लोग जो है ट्रिगर्स को परचेस कर लेते हो, पबजी ट्रिगर्स या फिर पबजी ट्रिगर्स / गेम पैस को परचेस कर लेते हो और सोचते हो कि वो जो है आपके स्किल्स को, गेमिंग स्किल्स को या फिर किलिंग स्किल्स को जो है और भी इन्हेंस करेंगे। और अगर आप अभी सोच रहे हो कि इसी तरीके कोई ट्रिगर्स या फिर ट्रिगर्स / गेम पैक परचेस करने का, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद आप समझ जाओ कि आपको पबजी ट्रिगर / गेम पैस को जो है परचेस करने चाहिए कि नहीं। सो गाइज, माय नेम इज कुशाल एंड यू आर वाचिंग माय नेम चेट्टी। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ऐसे एक गेम पैच / ट्रिगर्स का, जो कि मैंने कुछ दिन पहले परचेस किया था ये सोच के कि भाई मैं बहुत अच्छा खेलूंगा, प्रोफेशनल बन जाऊंगा पबजी में। तो मैं इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा पबजी ट्रिगर के साथ कैसा रहा, मेरा जो एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप लोगों को ऐसा कुछ ट्रिगर्स परचेस करने चाहिए कि नहीं, और अगर नहीं चाहिए तो क्यों परचेस नहीं करने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। तो अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे लाल वाला बटन को जो है ग्रे कर सकते हो और लाइक बटन को दबा सकते हो अगर आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगता है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू इट। तो फाइनली ये है ट्रिगर, आप देख सकते हो सामने की तरफ थोड़ा बहुत चाइनीज में ब्रांडिंग कर रखा है, साइड में यहाँ पे पबजी का ब्रांडिंग लेके रखा है और पीछे की तरफ यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा गया है, दैट इज W10। आई डोंट नो व्हाट द फक दैट मींस। तो इसको हम लोग फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ये कैसा है। तो बॉक्स में यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाता है, सबसे पहले ये आपको ये वाला जो ट्रिगर है वो देखने को मिल जाता है। एंड एक बार बॉक्स से निकालते ही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो रहा कि भाई ये क्या दे दिया है। इसका जो प्राइस है, मैं प्राइस बताना भूल गया, यहाँ पे मैं इसको 300 रुपीज़ में परचेस किया है और जब मैंने इसको बॉक्स से निकाला तो भाई मेरे को लगा कि भाई मैं 300 रुपये में ये क्या परचेस कर लाया। आई मीन 300 रुपये अगर आप कुछ पे कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आई मीन डिसेंट होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे 300 रुपये आप पे कर रहे हो और 300 रुपये बहुत कम वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट में डिसअपॉइंट सा लगा और मैं इसको रिटर्न करना चाहा, पहली बात तो ये है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कार्ड मिलता है जहाँ पे इनका स्टोर के बारे में बताया गया है अमेज़न में कि यहाँ से आप इन सारी चीज़ों को परचेस कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें मिलता है। अभी हम लोग इसका थोड़ा बहुत बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत ही बेकार है मेरे हिसाब से, 300 रुपये के हिसाब से बहुत ही बेकार है। पहली बात तो यहाँ पे प्लास्टिक जो यूज़ किया है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का यूज़ किया गया है, एकदम जैसा खिलौने जैसा होता है ना, 10-20 रुपये का मिलता है यहाँ पे मार्केट में, कुछ उसी तरीके का यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाता है, पूरा बड़ा ब्लैक कलर में है और यहाँ पे कहीं पर फिनिशिंग नहीं किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो जो मैन्युफैक्चरिंग जो फिनिशिंग होता है वो बिल्कुल भी नहीं करा गया है और पूरा का पूरा ओवरऑल यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम फिल्म से टाइप का लगता है, मतलब कि हाथ से गिरते ही ऐसा टूट जाएगा। और यहाँ पे बात करें यहाँ पे फ़ोन होल्डर की, तो यहाँ पे फ़ोन होल्डर जो है बहुत ही रफ एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपको प्रेशर लगाना पड़ता है तभी जाके ये खुलता है और उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन लगाना पड़ता है। यहाँ पे ट्रिगर्स की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रिगर्स जो है इन्होंने सिल्वर या फिर मेटल का दे के रखा है, दैट इज़ ठीक है, चलो अच्छी बात है, यहाँ पे सिल्वर नहीं देगा तो शायद से यहाँ पे ये काम ही नहीं करेगा। बट यहाँ पे इसका जो ट्रिगर का क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, बट जो ओवरऑल क्वालिटी है जहाँ पे आप फ़ोन रखते हो, जहाँ पे आप होल्ड करते हो, तो वहाँ पे आपको जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेकार मिलता है। प्लस यहाँ पे जब मैं इसको फ़ोन को माउंट किया मेरे यहाँ पे, अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा राउंडिश टाइप का शेप में आता है तो यहाँ पे ये वाला जो पबजी ट्रिगर है ये उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब कि यहाँ पे होल्ड तो कर पाएगा बट कुछ देर के बाद यहाँ पे आपका जो फ़ोन है वो निकल के आ जाएगा और वो काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील आता है, क्योंकि अगर आप 300 रुपये पे करो तो यहाँ पे आपको फ़ोन का गार्ड देना चाहिए था। और यहाँ पे रबर पैडिंग भी देके रखा है, देख सकते हो फ़ोन को थोड़ा बहुत यू नो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रबर पैडिंग देके रखा है, थोड़ा बहुत रबर पैडिंग देके रखा है, बट वो भी जो है बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाता है, मतलब कि हाथ से ऐसे निकाल सकते हो आप उसको। अभी हम लोग इसका ट्रिगर्स की बात करें कि ये वाला जो ट्रिगर है वो कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पबजी ट्रिगर है और मैं इसको सोचा था कि ऐसे परचेस करूँगा कि भाई बहुत अच्छा खेल पाऊँगा, बट एक्चुअली मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे जो हर्ड कस्टमाइजेशन है वो कर रखा था और यहाँ पे जब आप ट्रिगर को प्रेस करते हो तो इसका जो ऊपर वाला जो अटैचमेंट है वो ऐसे गिर जाता है, वो टच होता है, उसके बाद आपका जो सेंसिटिविटी है वो काम करता है या फिर टच होता है एक्चुअली में। बट यहाँ पे मुझे लगा था कि ये दोनों जो है अटैच कर दूंगा अपने फ़ोन में, उसके बाद सिर्फ जो ट्रिगर है जो जहाँ पर प्रेस करना पड़ता है उसको प्रेस करूँगा तो मेरा काम करेगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर ऐसे खटक खटक करके ऐसे गिर जाए जब आप इसको प्रेस करते हो, तो वो थोड़ा सा स्क्रीन के लिए अनप्रोडक्टिव हो जाता है और बहुत ही ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है तभी जाके आपका जो ये ट्रिगर है वो काम करता है। तो मेरे हिसाब से 1-2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना खेल सकते हो, बट ज़्यादा लॉन्ग टाइम यूजर्स में आपका फ़ोन में स्क्रैचेस आ सकते हैं, हालांकि यहाँ पे रबर पैडिंग देके रखा है, फिर भी यहाँ पे स्क्रीन के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिस्क हो जाता है वो। और यहाँ पे ये वाला जो ट्रिगर है उसका फ़ोन स्टैंड के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपका फ़ोन गिर जाता है लगाने के बाद तो फ़ोन स्टैंड का क्या फ़ायदा है। तो मैंने इसके साथ बहुत देर तक पबजी खेला था, वैसे तो मुझे पबजी बहुत ज़्यादा खेलना नहीं आता है, बट मैं यहाँ पे ट्रेनिंग मोड पे खेला था जस्ट टू चेक द सेंसिटिविटी एंड ऑल की सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पे मेरे को यार बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील आया और हर एक दो मिनट में मेरा जो फ़ोन है गिरता रहता था। तो मेरे हिसाब से अगर आप 300-400 रुपये का पबजी ट्रिगर खरीदना चाहते हो तो प्लीज़ मत खरीदो, क्योंकि यहाँ पे 300-400 रुपये में आपको अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलेगा, आपका फ़ोन का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी अगर आप इसी तरह का कोई पबजी ट्रिगर या फिर गेम पैस को खरीदना चाहते हो तो मैं कुछ कंक्लूजन आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ये सब खरीदना चाहिए कि नहीं, और अगर आपको एक्चुअली में क्लॉ से खेलना नहीं आता तो आप किस तरह का ट्रिगर्स को जो है यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके का जो गेम पैस या फिर ट्रिगर्स है उसको यूज़ करते हो तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे जो ट्रिगर्स है वो एक्चुअली मैं ऐसे स्क्रीन में प्रेशर डालता है तो वो एक काफ़ी इनसिक्योरिटी वाला बात हो जाता है, वो बात तो है ही। प्लस यहाँ पे मैंने सोचा था कि इससे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील आएगा, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा बात हो जाएगा, बट यहाँ पे कंफर्टनेस का कोई बात ही नहीं। यहाँ पे अगर आप वैसे तो ये वाला ट्रिगर्स काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, बट जब जब आप अपने फ़ोन के स्क्रीन में कोई दूसरा फिंगर प्रेस करके रखोगे तब तब ये वाला जो ट्रिगर है बहुत ही कम काम करेगा। जब भी आप फिंगर को हटा दोगे तो अच्छी तरीके से काम करेगा, बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप 4 फिंगर से खेलोगे नहीं तो यहाँ पे इस ट्रिगर को लेने का क्या फ़ायदा है ना। तो इसका सेंसिटिविटी अब वो बहुत ही बेकार है, मतलब कि यहाँ पे अगर आपका फिंगर कोई टच में कनेक्टेड है तो ये वाला जो ट्रिगर है बहुत ही एकदम प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो अगर आप गेम खेलते टाइम इस तरह का कोई इशू आता है तो यहाँ पे आप मर सकते हो, ऑब्वियसली बात है। सेकंड मतलब यहाँ पे अगर आप इस तरीके का गेम पैस या फिर ट्रिगर्स को यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप जो फास्ट मूवमेंट्स है या फिर मतलब जो ऐसे जंप वाला बटन्स है या फिर पीक या फिर लीन वाला बटन है उसको आप अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस तरीके का गेम पैस को होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका जो फिंगर्स है वो स्क्रीन तक नहीं पहुँचता है, तो यहाँ पे आप फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकते हो और अच्छी तरीके से पबजी को नहीं खेल सकते हो, जो कि आप 4 फिंगर्स या फिर क्लॉ से खेल सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। एंड दिस इज द बिग कंक्लूजन ऑफ दिस टाइप ऑफ गेम पैस या फिर ट्रिगर्स। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप सोच रहे हो कि इस तरीके का गेम पैस या फिर ट्रिगर्स को लेकर और भी अच्छे तरीके का गेम प्ले आपको देगा तो आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पे अगर आपको एक्चुअल में ट्रिगर परचेस करना है तो आप उस तरीके का ट्रिगर्स परचेस करो जो कि आपका फ़ोन का ऊपर ऐसे अटैच हो जाता है, 2 ट्रिगर्स मिलता है वो, उस तरीके का ट्रिगर्स को आप परचेस कर सकते हो। और एक्चुअली मेरा दोस्त लोग भी मेरे को यही कहा था कि अगर तू उस तरीके का गेम पैड को परचेस करेगा या फिर ट्रिगर को परचेस करेगा तो वहाँ पे और भी बेकार खेल पाएगा, मतलब कि खेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप इस तरीके का गेम पैड को होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका फिंगर्स जो है पूरा पूरी ऐसे स्क्रीन तक नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ पे आप पबजी को जो है बड़े आराम से नहीं खेल सकते हो। सो दैट वॉज प्रीमच ऑफ इट गाइस। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए, और मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।